अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बयान दिया है। राजेंद्र राणा ने नागरिकता बिल पर कहा कि केंद्र सरकार अपना रास्ता भटक गई है, लेकिन आज देश की सरकारें ऐसी ऐसी चीजें ला रही हैं ताकि लोग धर्म और महजबों में बंटे और लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं को लेकर सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है और अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बयान दिया है। राजेंद्र राणा ने नागरिकता बिल पर कहा कि केंद्र सरकार अपना रास्ता भटक गई है, लेकिन आज देश की सरकार ऐसी ऐसी चीजें ला रही है ताकि लोग धर्म और मजहबों में बंटे और लड़ते रहें। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं को लेकर सरकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, मगर लोगों का ध्यान इस ओर न जाने के चलते केंद्र सरकार नागरिकता बिल में उलझा कर समस्याओं को अनदेखा कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि किसी भी देश के लिए खस्ता हाल अर्थव्यवस्था में काम करना खतरे की घंटी होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी भी भारत से ज्यादा है, लेकिन केंद्र सरकार जीडीपी को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि नागरिकता बिल जैसे कारनामों को करके देश की जनता का ध्यान बटाने में लगी हुई है। सरकार जो है वो अपना रास्ता भटक गई। सरकार का ये काम होता है, सरकार कानून बनाती है, सरकारें संशोधन करती हैं, परंतु आज जो देश की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो ऐसी ऐसी चीजें समाज में ला रही है ताकि समाज आपस में बटे, लोग धर्मों में बटे, मजहबों में बटे, जातियों में बटे और आपस में लड़ते रहें। आज देश की समस्या जो है, सबसे बड़ी जो समस्या है, वो सरकार की सामने जो खड़ी होगी, सरकार को कोई प्रश्न ना करे, ये है कि आज देश में बेरोजगारी जो है वो भयंकर रूप में उभरी है। आज देश में जो है महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, सरकार ने तहस नहस कर दी है और देश में जो हाहाकार हो रही है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए, सरकार से कोई प्रश्न ना करे, इसलिए जो है सरकार ऐसी ऐसी चीजें लाकर अपने आप लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है। और ये जो अव्यवस्था का आलम आज देश में हो गया है, मुझे लग रहा है कि किसी भी देश के लिए ये ठीक संकेत नहीं है। आज पाकिस्तान की बात करते थे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, अब पाकिस्तान जो है वो डूब गया है, आज हिंदुस्तान कहां जा रहा है? आज हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से 1% डाउन चली गई है। पाकिस्तान की जीडीपी 5.5% है, बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो 8.2 है, श्रीलंका की जीडीपी 6.5%। हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, जो विकास की दर है, उसको 4.5% से भी नीचे लेके आ गई, 4.2 हो गई है।